भारत की प्राचीन नगरियों में से एक अयोध्या को हिंदू पौराणिक इतिहास में पवित्र सप्तपुरियों में से अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांची, अवंतिका और द्वारिका में शामिल किया गया। आपको बता दें कि अयोध्या को अथर्ववेद में ईश्वर का नगर बताया गया है और इसकी संपन्नता की तुलना स्वर्ग से की गई है। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या शब्द आ का अर्थ ब्रह्मा, या का अर्थ विष्णु है तथा धा का अर्थ रुद्र का रूप है। अयोध्या में कई महान योद्धा, ऋषि, मुनि और अवतारी पुरुष हो चुके हैं। आपको बता दें कि भगवान राम ने भी यहीं जन्म लिया था। जैन मत के अनुसार यहां आदिनाथ सहित पांच तीर्थांकरों का भी जन्म हुआ था। अयोध्या की गणना भारत की प्राचीन सप्तपुरियों में प्रथम स्थान पर की गई है। जैन परंपरा के अनुसार भी 24 तीर्थंकरों में से 22 इक्ष्वाकु वंश के थे। इन 24 तीर्थंकरों में से भी सर्वप्रथम तीर्थंकर आदिनाथ ऋषभदेव जी के साथ चार अन्य तीर्थंकरों का भी जन्म स्थान अयोध्या ही है। बौद्ध मान्यताओं के अनुसार बुद्ध देव ने अयोध्या अथवा साकेत में 16 वर्षों तक निवास किया था। आपको बता दें कि सरयू नदी के तट पर बसे इस नगर की रामायण अनुसार विवश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु महाराज द्वारा स्थापना की गई थी। मातरों के इतिहास के अनुसार वैवस्वत मनु लगभग 6673 ईसा पूर्व हुए थे। ब्रह्मा जी के पुत्र मारीची के कश्यप का जन्म हुआ। कश्यप से विवश्वान और विवश्वान के पुत्र वैवस्वत मनु थे। वैवस्वत मनु के 10 पुत्र इल, इक्ष्वाकु, कुशनाम, अरिष्ट, ध्रष्ट, नरिष्यंत, करुष, महाबली, सर्याति और प्रशत थे। इसमें इक्ष्वाकु कुल का ही सबसे ज्यादा विस्तार है। इक्ष्वाकु कुल में कई महान प्रतापी राजा, ऋषि, अरिहंत और भगवान भी हुए हैं। इक्ष्वाकु कुल में ही आगे चलकर प्रभु श्री राम का जन्म हुआ। अयोध्या पर महाभारत काल तक इसी वंश के लोगों ने शासन किया। कैसे हुई इसकी स्थापना? पौराणिक कथाओं के अनुसार ब्रह्मा से जब मनु ने अपने लिए एक नगर के निर्माण की बात कही तो वे उन्हें विष्णु जी के पास ले गए। विष्णु जी ने उन्हें साकेत धाम में एक उपयुक्त स्थान बताया, जहां विष्णु जी ने इस नगरी को बसाने के लिए ब्रह्मा तथा मनु के साथ देव शिल्पी विश्वकर्मा को भेज दिया। इसके अलावा अपने रामावतार के लिए उपयुक्त स्थान ढूंढने के लिए महर्षि वशिष्ठ को भी अपने साथ भेज दिया। मान्यता है कि वशिष्ठ द्वारा सरयू नदी के तट पर लीला भूमि का चयन किया गया, जहाँ विश्वकर्मा ने नगर का निर्माण किया। स्कंद पुराण के अनुसार अयोध्या भगवान विष्णु के चक्र पर विराजमान है।